रात के डिनर में आप देख सकते हैं मैंने बीन्स कट कर लिया, यहाँ आलू भी कट कर लिया और प्याज छील के रखा हुआ है। तो आज मैं बैठ के बेड पे ही कट कर रही हूँ स्टडी टेबल पे रख के, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इसलिए मैंने सुबह से आज रील बनाई नहीं है कुछ भी, या फिर वीडियो शूट किया नहीं है, और इधर साथ में टीवी भी चल रहा है। सब्जी तो मेरी कट हो गई है, अब इसको वॉश करके मैं चढ़ा देती हूँ, और उधर चाय भी चढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं चाय कहाँ तक मेरा बन गया है। चाय मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड को और इसको वॉश करके चढ़ा ही देती हूँ। पहले किचन में ही आ गई हूँ और सब्जी को मैंने अच्छे से धो लिया है और कढ़ाई यहाँ गर्म हो गई है, यहाँ मैं ऑनियन काट रही हूँ। तो पहले चलिए इसमें मैं सरसों तेल ऐड कर देती हूँ, और सरसों तेल डाल के गर्म करके थोड़ी देर, और थोड़ा थोड़ा, इसको ज़्यादा नहीं, सब्जी को थोड़ा थोड़ा पका लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्याज डाल के, जो मेरे पास पाउडर मसाला है वो सब डाल के फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। इसमें बीन्स और आलू मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ, और देख सकते हैं थोड़ा ये गैस वैस गंदा हो गया है इसमें डालने के बाद, वो जो छटकता है ना तेल, उसकी वजह से। तो उसको क्लीन कर लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि किचन गंदा रहता है ना तो काम करने का मन नहीं करता है, इसलिए क्लीन करो, काम करते रहो, सही रहता है, किचन साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। बहुत लोग सारा काम कंप्लीट करने के बाद सफाई करते हैं, लेकिन मेरे केस में उल्टा है, मेरे को काम के साथ साथ सफाई चाहिए, तो किसी से क्लीन कर लेते हैं। मेरे साथ है ना कि साफ सफाई करते करते काम करने में मन लगता है। ज्यादा दिन में था नहीं, मेरे साथ कर दिया है। चलिए मैंने किचन क्लीन कर लिया, और अब आलू और बीन्स को मैं थोड़ी देर पका लेती हूँ।